नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक पिक्चर का बेहतरीन डायलॉग है, आज इतनी भी नहीं मैखाने में जितना मैं छोड़ आता था पैमाने में। किस पिक्चर का ये डायलॉग है, कमेंट में हो सके तो लिखिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरा जो सैलरी, मैंने जब करियर शुरू किया था ना, 20,000 से 30,000 का सैलरी लगभग 10 साल तक मेरा चलता गया। उसके बाद थोड़ा छलांग लगा। तो यहाँ पे पूरे साल का अगर देखते हैं ना, और आज मैं देखता हूँ कि जो मार्केट में पैसा मैं इन्वेस्ट करके रखा, अपना खर्चा काट के जो भी पैसा बचा मैं इन्वेस्ट करता गया। 50%, 60%, 70% तक पैसा मैंने इन्वेस्ट किया। जितना भी सैलरी मिलता था, जिस काल में मिलता था, 15 साल पहले, 14 साल पहले, 13 साल पहले, आज भी जितना भी खर्च करने के बाद लगभग 60-70% पैसा मैं इन्वेस्ट कर देता था। और मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगा, मैंने कोई प्लॉट, फ्लैट, FD, किसान विकास पत्र, सोना चांदी कहीं पैसा नहीं लगाया सिवाय म्यूचुअल फंड के। तो आज मैं अपने पोर्टफोलियो को देखता हूँ ना, एक दिन में 2 लाख 3 लाख रुपया कब गिर जाता है पता नहीं चलता है। एक दिन में, 1 से 2 दिन में झटका लगा गिर गया। तो यहाँ पे देखता हूँ कि पूरे साल का सैलरी 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया था, तो आज तो 1-2 दिन में ये मार्केट में गिर जाता है। तो वही डायलॉग आता है, आज इतनी भी नहीं मैखाने में जितना मैं छोड़ आता था पैमाने में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पीछे मार्केट का देखते हैं 5 दिन में या साल भर में क्या हुआ है। 5 दिन में सेंसेक्स का चार्ट देखेंगे तो निगेटिव रहा है 0.5%। और वहीं स्मॉल कैप का देखेंगे, ज़्यादातर मेरे इन्वेस्टर और मेरा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में है, तो 5 दिन में 1.32% का इजाफा हुआ है। वहीं मैं 1 साल का अगर बात करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं 1 साल में, तो 1 साल में सेंसेक्स ने 1.85, 0.25% का लगभग रिटर्न दिया है। वहीं स्मॉल कैप का अगर बात करते हैं तो 1 साल में 6.36% का रिटर्न दिया है। मुझे कल एक डॉक्टर साहब का फोन आता है और कहते हैं कि हमारे शहर में ना लोग लाख रुपया का बात करते हैं, लाखों का, 5 लाख 10 लाख 20 लाख का बात करते हैं, पर जब आपको सुना ना हमेशा आप करोड़ों का बात करते हैं। मैं उनको कहा सर को कि ये जो चीज़ है ना, किसी के पास लाख है या किसी के पास करोड़ है, वो क्या है, लंबा अगर सोचने का नजरिया है ना तो उनके पास करोड़ों हो जाता है, और लंबा नहीं सोच पाते हैं तो उनके पास लाख ही रह जाता है। किसी रणछोड़ दास छाछड़ ने कहा है कि 90% जो आप सोचते हैं लगभग आप वही होते हैं। मतलब मनुष्य जो सोचता है 90%, हमेशा जो चीज़ सोचते हैं लगभग वो मनुष्य वही होते हैं। यहाँ पे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि 20,000 रुपये पर मंथ बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, RD में, किसान विकास पत्र में सेफ सेफर जगह इन्वेस्ट करते हैं 20,000 पर मंथ, और 8% के रेट से 5 साल तक रिमेन इन्वेस्टेड रहे, RD चलाए, तो 14 से 15 लाख रुपया उनका बन जाता है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ, अपने नज़रिया को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और अपने पैसे को थोड़ा सा एनालाइज करके, म्यूचुअल फंड को एनालाइज करके, SBI म्यूचुअल फंड में इस पैसे को 15 साल के लिए RD चलाते हैं और 12% का रिटर्न मिलता है, तो पैसा 1 करोड़ रुपया बन जाता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेटर में जाना है। जब तक खुद से कैलकुलेट नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता है। मेरा पैसा है, मेरा समझ है, वो मैंने समझ के कैलकुलेट करके इन्वेस्ट किया तो मेरा पैसा बना। उसी तरह आप करेंगे तो आपके लिए बनेगा। यहाँ पे 20,000 रुपये पर मंथ लिखा, 5 साल लिखा, 8% के रेट से 12 लाख का वैल्यू 14 लाख लगभग 80,000 होता है, 14 लाख 80,000। लेकिन इसी ड्यूरेशन को आप बढ़ा के 15 साल कर दें और रिटर्न को थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में लगा के, इक्विटी SIP में लगाया, 12% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो 36 लाख जमा होगा और 1 करोड़ रुपया बन जाता है। तो ये जो कहते हैं ना कि कोई लाख लाख का बात करते हैं, वो यही है कि 5 साल 7 साल 8 साल के लिए सोचते हैं, जबकि मैं 15 साल 20 साल 25 साल के लिए सोचता हूँ तो इतना पैसा हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं कि जो मैंने 15 साल का बात किया, यदि यहाँ पे ये ड्यूरेशन 20 साल का हो तो उस 1 करोड़ जो बनना था अब वो 2 करोड़ हो गया। मतलब 5 साल का ड्यूरेशन दिए और ज़्यादा तो 2 करोड़ हो गया। मतलब एक व्यक्ति को पूरी ज़िंदगी में 1 करोड़ तक पाने के लिए पूरा ज़िंदगी खपा देते हैं और वही पैसा रिमेन इन्वेस्टेड रहे, तो मैथमेटिक्स का फार्मूला कंपाउंडिंग वो 1 करोड़ और जोड़ देता है। सोचिए 1 करोड़ रुपया और कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैथ का फार्मूला यही है, कंपाउंडिंग यही है कि जितना मेहनत का पैसा कमा के बचाते हैं उसको लगाते जाइए, तो कंपाउंडिंग ही आपका पैसा बाद में डबल करता जाएगा। तो यहाँ पे सोचने मात्र से आप कैलकुलेट करते करते एक चीज़ देखा है ना, कौन बनेगा करोड़पति, तो कौन बनेगा करोड़पति, तो मैं कहता हूँ
कोई नहीं बनेगा करोड़पति, बस एक ही व्यक्ति करोड़पति वहाँ पे बन रहा है, बाकी अगर यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो सब बनेगा करोड़पति। इस तरह से आप थिंकिंग बिल्ड करते हैं तो धीरे धीरे अपने मेहनत के पैसे से ही करोड़पति बनेंगे। जो भी लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहे हैं वो यहाँ पे मिलियनर बने ही बने हैं। यहाँ पे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ कि 15 लाख रुपया 10 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया स्मॉल कैप कैटेगरी में, कोई प्लॉट फ्लैट इधर उधर ना लेके ये सब फंड में इन्वेस्ट किया, SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, DSP, कोटक, फ्रैंकलिन, HDFC, इस तरह से करके वन टाइम 15 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया। उस 15 लाख का वैल्यू 10 साल के बाद कितना है देखते हैं। पहले फंड में 15 लाख का वैल्यू 1.5 करोड़ रुपया बनाया है 26% के रेट से, SBI स्मॉल कैप था। दूसरे फंड ने 15 लाख वन टाइम का वैल्यू 1.42 करोड़ रुपया बनाया है, 25% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। तीसरे फंड ने 15 लाख का 1 करोड़ रुपया बनाया है 21% के रेट से। सबसे खराब वाला फंड भी नीचे देखेंगे ना तो उसने 16% का रिटर्न दिया है और 15 लाख का वैल्यू 68 लाख रुपया बनाया है। आप याद कीजिए अगल बगल के, या आप 15 लाख रुपया का प्लॉट खरीदे थे या छोटा सा शॉप दुकान खरीदे थे, आज उसका वैल्यू क्या है, तो समझ में आएगा कि भाई वहीं पे है या उससे कम हो गया है या बिक ही नहीं रहा है। यहाँ पे तुरंत बिकता है, बेचेंगे 4 दिन में पैसा अकाउंट में आता है, सब वाइट है, चैन की नींद सोएंगे, शुगर BP का नींद का गोली भी छूट जाएगा। अगर नींद नहीं आता है तो यहाँ लगाने के बाद गहरे नींद में सोएंगे, झकझोर के वाइफ उठाएगी सुबह तब उठेंगे। हमारे साथ यही हाल होता है, जब सोते हैं तो निशुद्ध सोते हैं, कोई टेंशन काम ही नहीं है टेंशन लेने का। और जो लोग प्लॉट लिए हैं ना, लगता है अच्छा वो बाउंड्री का तार टूट गया है, उस बाउंड्री तो कोई घुस जाएगा, उसको कोई हड़प लेगा, वो दरवाज़ा लगाए थे दरवाज़ा का कुंडी ख़राब हो गया है, तो आप मिस्त्री बुला रहे हैं, प्लम्बर बुला रहे हैं, तरह तरह का टेंशन पाले हुए हैं। सब टेंशन को धीरे धीरे सेल कर दीजिए और पैसे को इन्वेस्ट करके रहिए म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए, तो सारा बीमारी भी खत्म हो जाएगा और उस शहर के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन जाएंगे। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप चाहें तो अपने ऑफिस में वेलफेयर मीटिंग में हमसे फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास करा सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड हो गया तो मैं ये बोलता हूँ मात्र 500 रुपये का शुरुआत कीजिए, 500 लगाने के बाद 6 महीना इंतजार कीजिए, देखिए कि कोई फ्रॉड हुआ क्या, भाग गया लेके, खत्म हो गया, क्या हो गया, वो सारा कुछ आपको 6 महीने में पता चल जाएगा। जब पता चल जाएगा, सारा चीज़ पढ़ लिख के समझ में आ जाएगा, तब यहाँ पे 50,000, 1 लाख, 2 लाख जितना भी जमा करना हो कीजिए, शुरू में आप 500 ही कीजिए, सब पता चल जाएगा फ्रॉड होता है या नहीं होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।